नमस्कार, न्यूज लाइव प्लेस सच के तालाब में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, आपकी हमेशा सरकार गठबंधन में रहती है, आप मुख्य भूमिका में कब आएंगे, चाहे वो झारखंड हो चाहे बिहार हो? नहीं नहीं, आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप गठबंधन में ही रहते हैं, यूपीए के गठबंधन में जितनी पार्टियाँ हैं, जो जहाँ मजबूत है हम उसके साथ ईमानदारी पूर्वक साथ निभाते हैं। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम राष्ट्र लेवल पर राजनीति करते हैं, हम हर राज्य में जो जहाँ जिस राज्य में मजबूत है हम उसके साथ खड़े मिलते हैं। आप देखेंगे तो हमारी ही मुख्य भूमिका होती है, हम ही किसी को सरकार बनाते हैं। अगर हम गठबंधन के तहत सरकार ना बनाए तो सरकार महागठबंधन का हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस मेन भूमिका में, मुख्य भूमिका में रहती है। अब रही बात कि क्षेत्रीय पार्टी जो जहाँ मजबूत है हम उसके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हटा देना है, भगा देना है, इसके लिए हम लोग महागठबंधन और यूपीए संगठन के तहत सरकार बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुख्य भूमिका में ही काम करते आई है और आगे भी करेगी। जहाँ तक बात सीट बंटवारे की बात होती है तो वहाँ भी उस हिसाब से, जो राष्ट्रीय लेवल की बात होती है उस हिसाब से तो सीट नहीं मिल पाती है। फिर यूपीए गठबंधन का मतलब क्या हुआ, यूपीए गठबंधन का अर्थ क्या हुआ? हम जो गठबंधन के तहत चलते हैं उसमें जो जिस सीट पर मजबूत होती है उसे उस सीट को की प्राप्ति होती है। अगर आप हमसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है, जो जहाँ मजबूत है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में, तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य भूमिका निभाती है और कांग्रेस मुख्य भूमिका नहीं निभाती है, ये सोचना और कहना गलत है। देश में दो ही पार्टी है अभी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस हमेशा अहम मेन भूमिका में रहती है, और हम जिस राज्य में चुनाव में जाते हैं, जो क्षेत्रीय दल हमारे यूपीए गठबंधन में है और जो यूपीए गठबंधन के तहत लगातार हम लोग साथ निभाते आए हैं, जो जिस सीट पर मजबूत है वह सीट उसको प्राप्त होता है, वह सीट उसे मिलता है। और चूँकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है तो क्षेत्रीय दल को हम लेकर चलते हैं और मुख्य भूमिका में हमारी ही भूमिका रहती है। जी, मैं चंदन पांडे, ब्यूरो चीफ, गिरिडीह, झारखंड, धन्यवाद। ये आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के किसान बिल जो संसद और राज्यसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास कराए हैं, उसके विरोध में हमारे कांग्रेस संगठन की ओर से हस्ताक्षर अभियान के तहत मैं गिरिडीह जिला के प्रभारी के रूप में आया हूं, जिसमें कि सारे प्रखंड और प्रखंड प्रभारी और जिला कमेटी के साथ इस 31 तारीख को हस्ताक्षर अभियान का जो कार्यक्रम है उसको अंतिम रूप देने के लिए आज मैं पूरे जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के साथ वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हुआ। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में एक प्रभारी बना नियुक्त करके भेजे हैं, जिसमें ये प्रभारी का काम है कि प्रखंड लेवल पर अप्रखंड प्रभारी कितना किसान बिल के विरोध में कार्यक्रम किए, हस्ताक्षर करवाए किसानों से, उनके मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस लिखकर ये प्रदेश कमेटी को जमा करें। आपको जैसा मालूम ही है कि आज पूरे देश में मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं। हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष के नाते किसान विरोधी बिल जो पास कराए हैं, बेरोजगारी के विरोध में, नौजवानों के समर्थन में, ये सभी कार्यक्रम को लेकर अभी पूरे कांग्रेस हर राज्य हर जिला में अनेकों प्रकार के कार्यक्रम दे रहे हैं, और अनेकों प्रकार के कार्यक्रम के तहत ही आज किसान बिल हस्ताक्षर अभियान के तहत
मैं गिरिडीह जिला में उपस्थित होकर और तमाम गिरिडीह प्रखंड जिला कमेटी के साथ वार्तालाप कर 31 तारीख को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हूँ।